Hello and welcome friends. Today we are going to learn about the criteria in MS Access. तो MS Access में criteria क्या होती है, कैसे लगाएंगे, इसी की बात करने वाले हैं. बात करें MS Access की तो यहाँ पर एक हमारे पास record है, ये देख सकते हैं. इसमें customer ID, customer name, state और city है. ये तो एक बहुत ही छोटा सा record है, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा record हो तो हम उसको कैसे, उसमें हम किसी particular state को या city को खोज सकते हैं, ये चीज मैं बताऊंगा. तो सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं, और क्रिएट पे जाने के बाद हमें क्वेरी डिजाइन पे जाना है. ये जो क्वेरी डिजाइन दिख रही है, यहां पर क्वेरी डिजाइन कर लीजिए और यहां पर इस टेबल को इंसर्ट करा लीजिए. और यहां पर हम बात करेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेट और सिटी, ये देख सकते हैं आप. अब यहां पर क्राइटेरिया में आ जाएंगे हम, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए हमें पता है कि इसमें एक यूपी नाम का भी स्टेट है, तो यहां डबल कोटेड कॉमा में लिखना है आपको यूपी. जैसे ही आप लिखेंगे और यहां पर रन पे मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने रन किया तो यूपी की ही सिटीज और यूपी का ही जो जिला है, स्टेट है यूपी, वही वाली चीजें सिर्फ आ रही है यहां पे. देखिए यहां पर कस्टमर आईडी 1, 2, 3 और 7 आ रहा है, यही लोग यूपी से बिलोंग करते हैं. तो ये वो क्राइटेरिया है जिसको लगा करके हम ये पता कर सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए यहां पर अगर यूपी के अलावा बात करूं मैं एमपी की, अगर एमपी का कोई होगा तो इसमें आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा. ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई एमपी का नहीं है, ठीक है. अब यहां पर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान लिखता हूं मैं, राजस्थान, ठीक है. तो यहां पर राजस्थान लिखा और यहां पे डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे, और यहां पर देखिए एक ही व्यक्ति है जो राजस्थान का है, जिसका नाम सोनू है, ठीक है. क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम टाइप करें स्टेट का नाम, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो यहां पे मैं लिखता हूं इंटर द नेम ऑफ स्टेट, ये लिख दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखता हूं मैं, और अब हम इसको करेंगे रन. यहां से रन करते हैं तो यहां पे आ रहा है एंटर द नेम ऑफ स्टेट. तो चलिए एक स्टेट का नेम एंटर करते हैं, यूपी, ठीक है. एंटर प्रेस किया तो यहां पे देख सकते हैं सिर्फ यूपी वाले जो सिटीज हैं, और यूपी ही स्टेट की सारी चीजें इसमें आ रही हैं. इसमें कुछ हम इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं रितेश, और यहां पे स्टेट दे देता हूं मैं राजस्थान, ठीक है. और यहां पे सिटी का नाम दे देता हूं जोधपुर, ओके. और मैं यहां पे एक चीज और इंक्रीज करना चाहता हूं, यहां पे ये देख सकते हैं इसमें एमपी भी लिया हुआ है मैंने, लेकिन एमपी हमने अभी लिखा नहीं, तो यहां पे एमपी करते हैं और यहां पे लिखता हूं अवनीश, ओके. भोपाल दे देते हैं, ओके. और यहां पे प्रिया, और ये बिलोंग करती हैं एमपी से, तो यहां एमपी लिखता हूं मैं. और यहां पर भी हम क्या करते हैं, इटारसी दे देता हूं, ओके. तो ये लिख दिया हमने. अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं. सेव किया तो ये चीजें सेव हो गई. अब हम क्वेरी में आते हैं, ठीक है. और यहां पर क्वेरी में आने के बाद क्वेरी में हमें आना है, और यहां से आ जाएंगे डिजाइन लेकर. अब यहां पे दिया हुआ एंटर द नेम ऑफ स्टेट, क्या यहां पर भी किया जा सकता है, एंटर द नेम ऑफ सिटी. तो यहां क्या सिटी का नेम भी इंटर कर सकते हैं, आइए इसको रन करवाते हैं और देख लेते हैं. ये देख सकते हैं एंटर द नेम ऑफ सिटी दे दिया यहां पे हमने, और ये एंटर द नेम ऑफ स्टेट. अब हम क्या करेंगे, रन कराएंगे. तो रन कराया, तो जैसे ही रन कराया तो यहां पर आ रहा है इंटर द नेम ऑफ स्टेट, तो मैं यहां लिखता हूं राजस्थान, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं. एंटर प्रेस किया, अब यहां पे कह रहा है सिटी का नाम एंटर कीजिए, तो जिस सिटी का नाम एंटर करेंगे उसी की पूरी रिकॉर्ड आएगी आपके सामने. तो यहां देख सकते हैं राजस्थान एंटर किया, तो सिर्फ राजस्थान का ही रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है. इसी तरह से चलिए एक बार और इसको रन करवाते हैं इस क्वेरी को, और एक बार और इसको देखते हैं हम. अभी इसको फिर से रन कराया मैंने. अब स्टेट की बात करेंगे, यूपी, यूपी किया हमने, यहां से ओके प्रेस किया. अब हम बात करेंगे देवरिया की, तो यहां लिखता हूं देवरिया, लिखा हमने, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए सिर्फ देवरिया का ही रिकॉर्ड आ रहा है. इसमें देखते हैं
टेबल में देवरिया का रिकॉर्ड, ये देखिए सिर्फ एक ही जगह देवरिया है, रोहित, और ये यूपी के गोरखपुर से हैं, या लिखता हूँ गोरखपुर, ठीक है। ये जैसे हमने गोरखपुर लिखा इसको कैपिटल कर लेंगे, जी कैपिटल रहेगा यहाँ से, और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, यस करेंगे इसको, ये हो गया। तो ये इस तरीके से ये हमने रिकॉर्ड एंटर करा लिया। अब यहाँ पे क्वेरी में चलेंगे और चलेंगे क्वेरी डिजाइन में, यहाँ पे डिजाइन व्यू में चल करके और यहाँ पर इस क्वेरी को दोबारा से रन करवाएंगे। तो यहाँ आ रहा है एंटर द नेम ऑफ स्टेट। सपोज कीजिए स्टेट का नाम हमने दे दिया यूपी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके प्रेस किया। अब कह रहा है कि किस सिटी को आप सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देवरिया और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। तो ये देखिए दो लोग जो है देवरिया के रहने वाले हैं, कस्टमर आईडी 1 और कस्टमर आईडी 11। इस तरीके से हम सर्च क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।